एक विंडलेस डे पे साउंड वेव्स इमिनेट कर रही हैं फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स क्लोज टू द ग्राउंड एस शोन इस तरह से ठीक है ना इफ द हॉरिजॉन्टल विंड स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट सो विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ साउंड रेवस अब जो रेज वर्ड है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि साउंड में एक्चुअली रेज नहीं होती तो so, रेज एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है विच इज विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रपोगेशन ऑफ वेव्स है ना तो ये थ्योरी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं कि रेस क्या होती हैं वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है अब जैसे आपका पॉइंट सोर्स है सेंटर में और साउंड वेव्स ऐसे निकल रही हैं चारों तरफ है ना तो ये वेव फ्रंट्स हैं तो वेव फ्रंट्स तुमको समझ में आते हैं जो सेम फेज में हैं पार्टिकल्स वो सारे एक वेव फ्रंट फॉर्म करते हैं सो एंड दे कीप एक्सपांडिंग ठीक है आगे की तरफ जा रहे हैं वो दूर जा रहे हैं सोर्स से तो ये जो रेज है ना जिनको हम रेज कहते हैं सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो कॉल लेस रेस लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ठीक है ऑल्सो कॉल्ड एस रेस अब जो वेव फ्रंट होता है उसके अगर नॉर्मल की तरफ देखो तो उस डायरेक्शन में वो वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है, है ना कोई भी वेव फ्रंट है तो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो जो रेज हैं वो भी वेव फ्रंट के नॉर्मल होती हैं तो वही लिखा है सो वेव फ्रंट्स एंड रेज बी इट लाइट वेव और साउंड वेव और वाटर सरफेस वेव्स सो ऑल दिस इन ऑल दिस केसेस वेव फ्रंट्स एंड रेज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर तो ये हमारा कंसेप्ट है ठीक है तो रेज हम कभी भी डायरेक्टली नहीं बना सकते बट वी कैन एस्टिमेट एंड वी कैन गेस कि जब विंड ब्लो करेगी तो ये वेव फ्रंट्स कैसे चेंज हो जाएंगे और वेव फ्रंट्स हम पहले पहले बना लेंगे फिर वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर जब हम लाइंस बनाएंगे तो वो हो गई रेस ठीक है सो लेट्स डू दैट तो अब देखो अब लेफ्ट साइड में विंड ब्लो कर रही है तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना ये पहले चालू हुआ था तो अब ये थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है है ना टाइम के साथ में और ये उसके बाद चालू हुआ था थ्री ये वाला सर्कल तो ये थोड़ा कम शिफ्ट हुआ है फिर ये टू एक्स वाला फिर एक्स वाला तो ये इक्वल ड्यूरेशन पे निकल रहे हैं तो ये सारे सेम फेज वाले बनाए मैंने तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट में सेम वेलोसिटी से विंड चल रही है तो इन जो सर्कल्स के सेंटर हैं वो अगर ये वाला एक्स मूव हुआ है तो ये वाला टू एक्स मूव हो गया होगा सेंटर ये वाला थ्री एक्स हो गया होगा और ये वाला फोर एक्स हो गया होगा ठीक है भाई इस केस में तो सबके सेंटर मतलब स्टेशनरी मतलब सबके सेंटर uh, क्या बोलते हैं यार फिक्स्ड है ना मूव नहीं कर रहे सभी वेव फ्रंट्स के सेंटर लेकिन अगर विंड ब्लो कर रही है तो ये सर्कल ऐसे के ऐसे लेफ्ट में चलने लगेंगे ठीक है एक बार भाई वो निकल गया सोर्स से फिर वो पूरा सर्कल लेफ्ट में चलने लगेगा और बड़ा होता जाएगा तो जैसे कि ये हो रहा है जब वो लेफ्ट में चलने लगेगा तो जो उसका सेंटर है वो आप मान लो कि वो वी वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है तो जो बाहर वाला है उसको चले हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो अगर वो जैसे ये समझ लो ना तो ये वाला बाहर वाला सर्कल है ये फोर टाइम लग गया उसको तो इसका जो मूवमेंट है वो हो गया फोर एक्स ये वाला इसको निकले हुए थ्री टी टाइम हुआ है तो ये इसका सेंटर का मूवमेंट हो गया थ्री एक्स तो ये जो लाइने है ना ये मैंने ड्रॉ नहीं करी है बड़ा कॉम्प्लीकेड हो जाएगा लेकिन ये एरो दिस रिप्रेजेंट्स कि सोर्स से, से सेंटर कितना आगे चल गया है ठीक है तो बड़े वाले सर्कल का फोर एक्स चल गया है इसका थ्री एक्स इसका टू एक्स इसका एक्स एंड सो ऑन तो वही लिखा है सो सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कीप शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद विंड वेलोसिटी वाइल एक्सपांडिंग एट द सेम टाइम ठीक है तो इसलिए मैंने सिर्फ सेंटर का लिखा है कि x2, x3, x4, x होगा इनका अलग अलग हो जाएगा तो इनके बीच का गैप है ये चेंज हो जाएगा जैसे इधर ज़्यादा है ये गैप इधर कम है ऑब्वियसली लेकिन जो सेंटर्स के बीच का गैप है दैट विल बी अगेन सेम सो एक्स 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 गैप से सबके सेंटर लेफ्ट में चल रहे अब भाई जोमेट्री से अब हमको बनाना है तो सभी वे के परपेंडिकुलर हमको कोई रे बनानी है तो वो ऐसे ही बनती है अब मैं दूसरी डायरेक्शन में करके बता देता हूँ तो वो अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो ये इसके इस तरफ आ जाएगी ठीक है तो वो सेंटर तक मतलब सोर्स तक नहीं पहुंचेगी वो सोर्स के पहले ही कर हो जाएगी तो सोर्स तक अगर हमें पहुंचानी है या यूं कह लो अगर सोर्स से शुरू करनी है हमको वेव सो इट हैज़ टू बी और सबसे परपेंडिकुलर होती हुई तो वो इस तरह का कर बनेगा ठीक है आप ट्राई करना और किस टाइप का कर बने बना नहीं पाओगे आप अभी तो हमने पूरे का बना दिया ये टॉप हाफ का पूछेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला बनेगा ठीक है ना तो यहाँ बस कंसेप्ट यही था कि वेव फ्रंट्स तो आप बना सकते हो आराम से क्योंकि दे आर जस्ट द पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेस दे कॉन्स्टिट्यूट द वेव फ्रंट और उसके परपेंडिकुलर जो होता है उनको हम रेज नाम दे देते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेव और जो भी रेज़ हैं ऑब्वियसली वो सेंटर से शुरू होंगी जहाँ मतलब सोर्स है वहाँ से शुरू होंगी तो यहाँ भी वही किया है सोर्स से शुरू किया है और वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर हमने रे ड्रॉ कर दिए ठीक है